नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज डायरेक्टली पुल्ड अप स्लोली ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, हाइट क्या दे रखी है h एंड इंक्लिनेशन थीटा विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग पैरेलल टू इंक्लाइन, पैरेलल टू क्या दे रखी है इंक्लाइन के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ब्लॉक व्हेन इट मूव अप फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ इंक्लाइन। जब जो ब्लॉक है वो टॉप बॉटम से टॉप तक जाता है तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखिये वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज mgh, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज mgh, नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज जीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या होता है डेल्टा के, तो डब्ल्यू नेट यानी कि वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा के। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इनिशियल फाइनल क्या है जीरो है, तो हमारे पास डेल्टा, तो वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा हमारे पास mg h हो जाएगा वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास mgh, यानी कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज mgh, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हमारे पास है mgh, दैट इज द आंसर।